आबिर पाक दरगाह की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग आज साबिर पाक मज़ार का दौरा कर रही है। जिस जगह पर खड़ा हूँ बिल्कुल मुख्य मज़ार है साबिर पाक साहब की, मेरे बिल्कुल बाईं तरफ लाखों लोग यानी देश विदेश तमाम भारत से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मुझे नज़र आ रहा है। मेरे सहयोगी अल्ताफ राजा बिल्कुल साबिर पाक की मज़ार यानी दरगाह के पास खड़े हैं। अल्ताफ राजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बोलेंगे आजकल मेला चल रहा है जी? ये साबिर पाक दरगाह में 454वां उर्स साबिर पाक चल रहा है और बताएं आप क्या पूछना चाहेंगे इसके बारे में? क्या बोलेंगे आज साबिर पाक की जो ये विश्व प्रसिद्ध ये मज़ार है, क्या है इसका इतिहास? ये विश्व प्रसिद्ध मज़ार है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत त्याग किया जिससे आप फेमस हुए पूरी दुनिया में। यहाँ पर जायरीन पाकिस्तान देश विदेश से आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और बताएं आजकल समापन जो 754 साल का जो ये मेला चल रहा है वन टाइप ऑफ साबिर पाक का, देश विदेश से लोग पहुँचे हुए हैं, थोड़ा साबिर पाक साहब जो है उनके बारे में बताइए जी। आपने जो है अपने मामू के कहने पे 12 साल तक लंगर लुटाया और कुछ नहीं खाया, अपने बदन को कांटे कांटे कर दिया जिससे कि आपको वलियत मिली जिससे आप फेमस हुए। और मखदूम साबिर पाक ने त्याग किया, सब्र का नाम पड़ा, वैसे नाम इनका अलाउद्दीन साबिर नाम बाद में इनका पड़ा। और भी यहाँ पर दरगाह है उनके बारे बताएंगे आप जी? यहाँ पर इमाम साहब की दरगाह है, किलकली शाह बाबा की दरगाह है, कैप पीप साहब की दरगाह है, अफजाल साहब बादल की दरगाह है, इनका पूरा इतिहास इनसे जुड़ा हुआ है। सबसे प्रमुख दरगाह में हम खड़े हैं यानी साबिर पाक की दरगाह। इस मज़ार में जब मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब क्या चिल्लाना के भूत प्रेत आत्माएं क्या समाप्त हो जाती हैं? यहाँ पर जो ऊपरी असरात हैं, भूत हैं, आत्माएं हैं, यहाँ से फैज मिलता है। यहाँ पर ये अपना ये यहाँ पर पेशी देते हैं जिससे कि सारे प्रेत आत्मा इनके नष्ट हो जाते हैं। चले बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मेला समापन दिवस है आज, क्या बोलना चाहेंगे आप इसको लेकर? मेला समापन है और यहाँ पर मैं ये चाहूँगा जो भी है हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत। ये थे अल्ताफ राजा, आज मेरी टीम के मुख्य सहयोगी हैं और बता रहे थे साबिर पाक मज़ार के बारे में जहाँ पर हम दरगाह पर थे आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू सर। और ये है साबिर पाक दरगाह में जाने का रास्ता है, ये मुख्य रास्ता, चारों तरफ दुकानें नज़र आती हैं, चाय कॉफ़ी खाना तमाम चीज़ें दरगाह के अगल बगल में। ये है मुख्य दरगाह का गेट पश्चर में जाने का। विश्व प्रसिद्ध साबिर पाक की मज़ार की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज कलियर यानी उत्तराखंड के रुड़की में विश्व प्रसिद्ध अलाउद्दीन मखदूम साबिर पाक की मज़ार का दौरा कर रही है। और यदि मैं इस दरगाह की बात करूं, आजकल लगातार मेला चल रहा है, आज मेले का समापन दिवस है और बिल्कुल प्रातःकाल का समय, चप्पे चप्पे पे भीड़ भड़ाका और तमाम खाने की दुकानें, मिठाइयां, बच्चों के खिलौने और तमाम मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी लाखों में लोग इस दरगाह में पहुंचते हैं। और यदि मैं इस कलियर की बात करूं तो यहां पर मुख्य चार मज़ार पड़ती हैं जो इमाम साहिब और किलकली साहा, गैंग पीर साहा और अबुल साहा की मज़ार पड़ती हैं यहाँ पर। और यदि मैं प्रमुख की बात करूँ तो वो है अलाउद्दीन मखदूम साबिर पाक, जो कि अपने आप में ऐसे वली थे जिनका कि पूरा वर्णन किया गया है। और ये है दुकानें, लाखों में लोग आजकल यानी पूरे देश विदेश से लेके पूरे भारत से यहाँ पर लोग यहाँ पर इस मज़ार का दौरा करते हैं। बहुत प्रसिद्ध है ये विश्व में मज़ार,
और ऐसे वली की कहानी जहाँ पर कि लंगर चलती है, लंगर के लिए इसको जाना जाता है, अपनी जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर पहुँचते हैं और इस मजार यानी लोग सज धज के पूरी तरीके से वेशभूषा में यहाँ पर साबिर पाक मुख्य दरगाह बिल्कुल मेरे सामने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरे बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों तरफ दुकानें हैं और साथ ही साथ हजारों लोग अभी भी जा रहे हैं। ये वो मजार है जहाँ पर लोगों की मन्नत पूरी होती है और लोग पहुँचते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जरा पूछ के देखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है साहब आपका? मैं बाली भूषण एडवोकेट, ये रोड की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इस जगह के बारे में क्या बोलेंगे आप? साबिर पाक, साबिर पाक एक पाक नगरी है, है ना। यहाँ पे हर जगह से, बाहर से, विदेशों से जायरीन आते हैं। जो जायरीन पहुँचे उसको लेकर क्या बोलेंगे आप उनको? जायरीनों के लिए सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, गंदगी का हर तरफ गंदगी गंदगी है ना। सरकार बोल रही है इसमें बहुत व्यवस्था बनाई जा रही है, जहरीन लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। आप देखेंगे बारिश के टाइम पे यहाँ पे गंदगी का पूरे चट्टे लगे पड़े थे। क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को? देखिएगा ये यहाँ साबिर पार्क में सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए, है ना। यहाँ ऐसा और कोई खास खर्चा भी नहीं है। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, कई लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, ऐसे निकल के आ रहा, सरकार की ओर से ऐसी बहुत चुस्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। सफाई को लेकर के बात करो, ये जहरीनों के लिए व्यवस्था हो वो कम मुझे नजर आई, जबकि यहाँ पर देश विदेश से लाखों में लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर यात्री। आखिर सरकार पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, क्या वजह होगी? देखिए वजह कुछ भी हो लेकिन ये चीजें तो होनी चाहिए, तो फंडामेंटल चीज है, बिल्कुल, है ना। सफाई और जायरीनों के लिए सुविधा। देखो जायरीन इतनी दूर से आता है, अगर उसके सुविधा नहीं मिलेगी तो वो कहाँ रुकेगा? ये एक ऐसी जगह है, धरोहर है ये, हमारे देश की धरोहर है ये। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, ये देश की धरोहर है, है ना। हर जगह से, विदेश से लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल, और क्या नाम, अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और ये जाने का प्रयास कर रहा था, कुछ लोगों से निकल के आ रहा, ऐसा कुछ बहुत अच्छा प्रयास सरकार को करना चाहिए। कुछ शिकायतें भी लोगों को सुनने की मिल रही है, दिखाएंगे आपको ग्राउंड जीरो के हालात अगल बगल और साबिर पाक दरगाह में। और यह मेन दरगाह में जाने का रास्ता, इनको सेवा लगा दो थोड़ा सा। और मेन दरगाह में, मेन दरगाह में मुझे एक किताब। आपका नाम क्या है साहब? आप यही दरगाह में रहते हैं, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम है, इंटरव्यू आएगा। मेरा नाम क्यों बोलते हो? यदि मैं साबिर पाक दरगाह की बात करूं, इस मजार की बात करूं, हर धर्म के लोग यहां पर पहुंचते हैं। कई लोग मुझे चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन भूत प्रेत आत्माएं तमाम भाग जाती इस जगह पर जब पहुंचते हो। देखिए जहरीन यानी अरबी का शब्द है ये, यात्री मेलार्थी, प्रातः काल का समय है और भीड़ भाड़ का मुझे नजर आ रहा है। चारों तरफ असंख्य लोग पूरी दुनिया से आते हैं। यानी साबिर पाक दरगाह की यदि मैं बात करूँ, मेरे दाईं तरफ है पहाड़ी गेट, ये बाहर जाने का रास्ता लिखा हुआ है। हर धर्म के अलावा हर उम्र के लोग मुझे यहाँ पर नजर आए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान को। तो देखिए आप साबिर पाक दरगाह की मुख्य मजार है मेरे सामने की तरफ। लोग एकांत मन से इस जगह पर पहुँचते हैं और दुआ मांगते हैं, मन्नत करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। देखिए मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज साबिर पाक दरगाह के 754वें मेला पर।